गोरखनाथ मंदिर में सीएम कैंप कार्यालय एक वर्ष से लगातार मंडल के फरियादियों की फरियाद पर उसका निस्तारण करने का प्रयास कर रहा है। कैंप कार्यालय में आए फरियादियों को न्याय अवश्य मिलता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को न्याय मिलने में दिक्कत होती है जिसका मामला न्यायालय में लंबित रहता है। गोरखनाथ मंदिर में पीठाधीश्वर व निवर्तमान सांसद महंत योगी आदित्यनाथ की जी महाराज के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने कार्यालय में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कैंप कार्यालय खोलने का फैसला लिया था, तभी से लोग यहां आते हैं और अपनी समस्याओं से निजात पाते हैं। कैंप कार्यालय में प्रभारी मोतीलाल सिंह के अलावा सहयोग के रूप में दिव्य सिंह, विनय गौतम, आनंद गुप्ता, सुनील गुप्ता लोगों को समस्याओं को सुनते हैं और संबंधित विभागों को ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजकर उस पर कार्रवाई कराने का निर्देश देते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए कैंप कार्यालय के प्रभारी मोतीलाल सिंह ने बताया। जाइए बीडियो पास जाइए, आज चले जाइए, कल तो कल भी खुला रहेगा, आज चले जाइए। वीडियो का कहाँ क्या होगा वहाँ देंगे आपका इस कैंप कार्यालय को खुले लगभग एक साल से ऊपर हो रहा है और यहाँ से पूरा मंडल की जितनी शिकायतें आती हैं उसको देखा जा रहा है। मंडल में चार ज़िले हैं, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर। यहाँ की शिकायतों का निस्तारण यहाँ से किया जाता है और जो शिकायतें आती हैं उनको यहाँ दर्ज करके फिर ऑनलाइन संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है, फिर उनसे आख्या मंगाई जाती है, ऑनलाइन ही आख्या आती है, फिर उस आख्या को निकाल कर, उस रिपोर्ट को निकाल कर फिर उसमें देखा जाता है गुणवत्ता क्या है। अगर गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो पुनः रिपोर्ट के लिए पुनः संबंधित कार्यों को भेजी जाती है। इस तरह से लगभग इस समय तो काफ़ी एप्लीकेशन आ रही है, लगभग 100 से 150 के बीच प्रतिदिन प्रार्थना पत्र आ जा रहे हैं जिसका निस्तारण गुणवत्तापूर्वक कराया जा रहा है। यह सत्य है कुछ प्रकरण जो माननीय न्यायालय में लंबित हैं या कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो कहीं गलत पक्ष भी आ जाता है, ऐसे प्रकरण में कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि गलत पक्ष में कार्रवाई हो नहीं सकती। उनको समझा दिया जाता है कि आपका पक्ष गलत है, आप जो है यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। तो न्यायालय प्रकरण में भी यही स्थिति होती है क्योंकि वहाँ से स्टे है तो यहाँ से कोई कार्रवाई संभव नहीं हो पाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका तुरंत निस्तारण हो, चाहे न्यायालय में चल रहा है तब भी। तो जितनी प्रकरण हैं जो निस्तारण लायक होते हैं सबका निस्तारण यहाँ से कराया जाता है।